राम फल जख्मी किसी शायर का सा नाम लगता है। जी हाँ, ये शायर ही हैं, परंतु रोमांस में डूबा हुआ ऐसा शायर नहीं जिसने बचपन से ही लिखना सीखा हो। सच तो ये है कि इस शायर को लिखना तो क्या, पढ़ना भी नहीं आता था। वर्ष 1992-93 में पहली बार इस शायर ने हरियाणा के छोटे से कस्बे तोशम में जिला साक्षरता समिति द्वारा संचालित संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत की। ये किसी करामात से कम नहीं कि एक निर्धन परिवार में जन्मे श्री रामफल अपने लगन और परिश्रम से एक लोक कवि बन गए। आज हरियाणा के गांव-गांव में इनके लिखे हुए सांग या लोक नाटक मंचित होते हैं। इन सांगों में ये स्वयं अभिनय भी करते हैं और इनका लेखन और निर्देशन भी। रामफल जख्मी। रामफल जख्मी हरियाणा में तोशम कस्बे में एक दैनिक मजदूर का काम करते थे। तब इनका नाम केवल रामफल था। पहले तो मजदूरी करता था मैं। काफी प्रयासों के बाद मैंने सिंचाई विभाग में नौकरी मिली, फोर्थ क्लास की। बड़ी कठिनाई से रामफल को हरियाणा के सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मिल गई। पर यहां तो कितनी देर पानी छोड़ा और कितना छोड़ा का हिसाब रखना होता था, और रामफल के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। वो कैसे लिखते, जैसे तैसे सहकर्मियों की सहायता से काम चला लेते थे। रोज रोज की परेशानी रामफल के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई। हमारे सर्व कर्मचारी संघ एक संगठन है कर्मचारियों का, उसका चुनाव हुआ गया। उस चुनाव में मेरे को उप प्रधान के पद पर चुना गया। जब किसी अधिकारी से मिलना होता था तो चिट बना के चिट पर नाम लिख के देनी होती थी, उससे भी मैं शर्मिंदा होता था। तो मेरा जी करता था मैं पढ़ पाऊं, एक नया ज्ञान प्राप्त करूं, तो मैं भी साथियों के शामिल हूं, बराबर हूं। 1992 में हरियाणा में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान द्वारा संचालित संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया। निरक्षरों को साक्षर करने का ये कार्यक्रम एक क्रांति से कम न था। रामफल जैसे निर्धन निरक्षर के लिए ये एक दैवी सहायता थी। मेरी रुचि थी, मैं उन साथियों से मिलने की कोशिश करी, उनसे मिला। तो उन साथियों ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं भी जरूरत ऐसे लोगों की, आप आइए, हम आपकी समस्या हल करेंगे। तो भिवानी जिले के अंदर लुवानी खेड़ा तहसील है, सबसे पहले वहां काम चलिया और वहां मेरे को बुला गया। रामफल साक्षरता स्वयं सेवकों को मिले, उन्होंने रामफल को साक्षर बनाने का आश्वासन दिया। वहीं से उन्हें पाठ्य सामग्री भी प्राप्त हुई और वो साक्षरता के सफर पर निकल पड़े। चलते चलते उन लोगों ने पढ़ना लिखना जो जतन कायदा है वो मेरे पास मेरे को दिया और सभी लोगों ने मदद करी। इसके अलावा राजेश खुल्लर IAS होते थे, विभानी SDM होते थे, वो मेरे पास रोजाना 1.5 घंटा 2 घंटा रोजाना हमारे मेरे पास आते थे और बोरी बिछा करके मेरे साथ बैठ करके जो कठिन शब्द थे वो कठिन शब्दों की वो जानकारी देते थे, पढ़ाते थे मेरे को। जैसे पंडित है, ब्राह्मण है, ऋषि है, और कोई ऐसा मात्रा की छोटी बड़ी घाटवाद की वो सारी बात सिखवाते थे। आपने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? 16 साल की शादी हो गई थी छोटी उम्र में, तो फिर 17 साल की भाई मेरे लड़की हो गई थी। हमारे पास कोई साधन नहीं था, दोनों अनपढ़ थे हम। ये भी अपना भाई काम धंधा सोच के हम लग गए करने, ये बाहर कर दे, मैं घर का कर दी, भैंस रख ली। भैंस रख कर फिर मैं तो बच्चे संभाले, इन अपना बाहर का काम संभाला। साक्षरता में काम करते थे, मेरे को भी फिर इन्हें सहारा दिया, मैंने इसको सहारा दिया। हमने बच्चे अपने स्कूल में डाल दिए, थोड़े बहुत भाई पढ़ने लग गए, हमने भी सहारा हो गया, भाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी खुश होते रहे। भाई वो दिन तो ऐसे थे, हमारे गरीबी के टाइम पर रोटी नहीं मिलती थी, और अब हम बहुत खुशी से वक्त गुजार रहे हैं।
फिर साथियों ने मेरे को सुझाव दिया, अगर भाई कोई लाइन लिखी जा, कुछ भी लिख जाए, बांगा बोला जैसे भी है, मैंने लिखना शुरू किया। तो जो मैंने लिखा वो लाइन कुछ रागनी गीतों में फिट होती चली गई। तो साथियों ने मेरे को और सराहाया, अच्छी बताई, तो मेरा उत्साह बढ़ गया। तो चलते चलते मैं रागनी, पहली रागनी है, माँ मैं जहाँ अभियान में उन शहीदों की शान में अनपढ़ मानस नजर न आए सारे हिंदुस्तानों में, ये रागनी अच्छी रही। उसके अलावा फिर मैंने सांग लिखा हरियाणवी भाषा में, इसका नाम खान कसार था। दूसरा सांग मैंने लिखा चिंगारी, महिला के उत्पीड़न पर। तीसरा सांग लिखा नेक सलाह। चौथा सांग लिखा पर्दाफाश। और पांचवा सांग लिखा गेंद आपके पाड़े में। और छठा सांग लाडली, जो अब खेला जा रहा है। पूरे हरियाणा में जो गीत साक्षरता अभियान चले हैं, जो गीत गाए जाते हैं, करीब करीब मेरे लिखे हुए गीत गाए जाते हैं। पाड़ी बगा दो बैना चुपे की चुनरिया इस चुंदड़ी ने। रामफल जख्मी द्वारा लिखित गीत हरियाणा में साक्षरता का संदेश फैलाने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम साबित हुए। इस गीत में रामफल हरियाणा में प्रचलित घूंघट और पर्दा प्रथा पर आघात करते हैं। पिताजी जब हांसी से और बुआनीखेड़ा ब्लॉक के अंदर जब उनकी पोस्टिंग हुई, तो 1991 और 92 में वहां साक्षरता अभियान का एक कार्यक्रम चला हुआ था, जिस कार्यक्रम के तहत उन्होंने अक्षर ज्ञान किया। अक्षर ज्ञान सीखने के बाद थोड़ा बहुत जब उनको लिखना, कॉपी पर अपने अक्षरों को उतारना उन्होंने जान लिया, तो एकदम एक अलग सी क्रांति उनके दिमाग में हुई। साक्षर होते ही रामफल को अचानक अपने अंदर एक सृजनात्मक झरने का आभास हुआ और अब उनकी कला आकाश की ऊंचाइयों को छू रही है। रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों से ही रामफल को लोक शैली में लिखने की प्रेरणा मिली। अब तो रामचरितमानस पढ़े बिना उनकी दिनचर्या पूरी नहीं होती। वाह, क्या लिखा लिखने वाले, बहुत कुछ लिखे। रामफल जख्मी लोक कवि हैं। उनकी कविता का प्रेरणा स्रोत भारत के महानतम लोक कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। लिखना तो मैंने सीख लिया था, तो मेरे साथियों से सलाह मिली, तो आप अच्छी अच्छी किताबें हैं जो हिंदुस्तान की, रामायण है, गीता है, भगवत है, महाभारत है, पुराण है, ऐसी किताब आप पढ़िए, उससे कोई ना कोई ज्ञान आगे बढ़ेगा। तो मैंने वही किताब पढ़ना शुरू किया और उनसे बहुत प्रेरणा मिली। फिर मैंने तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी, उसमें मेरे को और भी अच्छा ज्ञान हुआ। जैसे तुलसीदास जी ने धोवों के माध्यम से बहुत कुछ लिखा है, मेरे भी मन में ऐसे विचार आए, मैं भी अपने विचार धोयों के माध्यम से तुलसीदास जी की तरह लिखूं। इन्हीं दिनों श्री रामफल का तबादला साक्षरता विभाग में हो गया। उन्हें तो जैसे मन की मुराद मिल गई। रामफल जख्मी पूरे जोश के साथ साक्षरता अभियान से जुड़ गए। उसी समय पूरे हरियाणा में संपूर्ण साक्षरता की क्रांति आई। सैकड़ों युवक युवतियां अक्षर सैनिक के रूप में इस सामाजिक क्रांति में कूद पड़े। अल्पसंख्यक समुदाय ने भी पूरी लगन से साक्षरता अभियान को अपना लिया। उधर जिला झज्जर के ग्राम गंगटान की श्रीमती उर्मिला भी साक्षरता अभियान से जुड़ने पर रामफल जख्मी की तरह ही साक्षरता के सामाजिक आंदोलन की बात अपने गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने लगी। अंतर केवल इतना था कि श्रीमती उर्मिला पहले से साक्षर थीं। सन 1992 में जब हरियाणा में साक्षरता अभियान चला, उस दौरान मेरे पास एक महिला आई जिसका नाम था कमला। वो मुझसे मिली, उन्होंने महिलाओं की एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया कि जो अनपढ़ महिलाएं हैं उन्हें पास पड़ोस की महिला पढ़ाएगी। तो काफ़ी सारी महिला थी, पढ़ी लिखी थी, उन्होंने अपने नाम लिखवा लिए। उन्हें मैं भी शामिल थी, मैंने भी अपना नाम लिखवा लिया। जब उनसे ये पूछा गया कि पढ़ाने वाले को क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा ये तो एक समाज सेवा काम है और उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो बाकी सभी ने मना कर दिया कि नहीं, फ्री में काम नहीं होगा। लेकिन मैं एक ऐसी अकेली महिला थी जिसने, मैंने ये स्वीकार किया कि भी मैं फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ।
जो भी अनपढ़ महिला है वो मेरे पास किसी भी टाइम आ सकती है मेरे घर पे। अगर यदि वो मेरे घर पे नहीं आ सकती तो मैं उसके घर जाकर पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ हरियाणा के शहर और कस्बे पूरे जोश के साथ साक्षरता को अपना रहे थे, वहीं गांव की हालत बिल्कुल उलट थी। हालांकि ग्रामीण नागरिकों को साक्षरता की आवश्यकता अधिक थी। तेरे पड़ोस में, तेरी कॉलोनी में। श्रीमती उर्मिला को पहले साक्षरता अभियान में अक्षर सैनिक बनाया गया और फिर वो जल्दी ही मास्टर ट्रेनर बन गई और दूसरे अक्षर सैनिकों और प्रेरकों को पढ़ाने लगी। कविता लिखने की प्रेरणा मुझे डॉक्टर रणवीर सिंह दहिया, जो भारत ज्ञान विज्ञान समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे मिली। एक दिन मैं एक लेख पढ़ती थी, अखबार आता था अरकारा, उसमें उनकी रागनी लिखी हुई थी। जब मैंने उनकी रागनी पढ़ी तो दिमाग में प्रश्न आया कि एक जेंट्स इतना अच्छा लिखता है तो और क्यों नहीं। श्रीमती उर्मिला सहज भाव से कविता कह लेती थी, इसके लिए उन्हें किसी विशेष परिश्रम की आवश्यकता भी नहीं होती थी। उन्होंने अपने पति की आज्ञा से ग्राम वजीरपुर की एक प्रतियोगिता में अपना एक गीत पढ़ा, जिसे सुनकर उन्हें बहुत सराहा गया। रूढ़ीवादी विचारधारा और सामाजिक कुरीतियां हरियाणा के पिछड़ेपन का मुख्य कारण हैं, और इसका प्रभाव सबसे अधिक महिलाओं और दलितों में दिखता है। उधर रामफल अपने सांगों और रागनियों के माध्यम से गांव-गांव में जाकर सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ रहे थे। दारू पी हमने सारी उतरगी, और थारिया बात या कौन सी थी साक्षरता समिति, इन सारे ने मिलकर दिमाग में फिट बिठा दी। हाँ बेटी तो बता दिए, छोरी ने छोर आला दर्जा दे दो गांव वाले, और जो दारू पियो ना इस नगर उजड़ जाए। रामफल के कला जत्थे ग्रामीणों को उन्हीं की भाषा में समाज सुधार का संदेश देते थे। ग्राम की युवा पीढ़ी का इस पर प्रभाव दिखने लगा। सारे तो मैं हाथ जोड़ कर करूंगा, अभी सुनाई ने त्याग दूंगा। हरियाणा में महिलाओं की दयनीय दशा का कारण था पर्दा। हमारे जो बुजुर्ग थे वो ये भी कहते थे कि जो महिला होती है उनका दिमाग है ना वो बुद्धि के पीछे होता है, वो ऐसे कहता है। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दिमाग तो उनका सारा पर्दे में ही लुक जाता था। जब तक उनकी दृष्टि कुछ देख नहीं पाएगी समाज में, तो वो क्या आगे बढ़ेंगी, क्या काम करेंगी। और शिक्षा की तो बहुत दूर की बात है कि उनको शिक्षा दी जाती थी, घरों से बाहर तक निकलने का वो नहीं था। मतलब उनकी आंखें मुश्किल से दिखती थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा वो काम करती थी ना पूरा इतना। महिला विकास के लिए आवश्यक था कि महिलाओं को घूंघट से बाहर निकाला जाए। और पर्दा प्रथा के ऊपर जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक गीत लिखा है, और उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और उससे ना बहुत जोश भी मिलता है। जब वो जो गीत है वो मैं गाती भी हूँ, और उस पर मैं नृत्य भी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है मुझे। हमारे दोनों कवि श्रीमती उर्मिला और श्री रामफल जख्मी अपने अपने ढंग से पर्दे के विरोध में प्रचार कर रहे थे। रामफल जख्मी के गीतों के कैसेट गांव, कस्बों और शहरों में बजाए जा रहे थे। कला जत्थों के कलाकार नृत्य और गायन के माध्यम से महिलाओं के उत्थान की बात जनमानस तक पहुंचाने में व्यस्त थे, और युवा पीढ़ी पर भी इस जन जागरण अभियान का प्रभाव दिखता था। परंतु आवश्यकता थी मर्दों की सोच बदलने की। महिलाएं हजारों की संख्या में साक्षरता अभियान से जुड़ रही थीं। साक्षरता उन्हें व्यक्तिगत विकास की तरफ ले जा रही थी, परंतु सदियों के अंधेरे दूर करने में समय लगता है।
लड़की भी भाई नु सोची भाई पढ़ानी जरूरी है, लड़के ने पढ़ा के क्या करोगे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर निकलने पर महिलाओं को हरियाणा का रूढ़ीवादी समाज कुछ बहुत अच्छा न समझता था। भ्रूण हत्या की दर देश में सबसे अधिक हरियाणा में ही थी। महिलाओं को केवल घर का कामकाज करने और प्रजनन के लिए ही उपयोगी माना जाता था। इन परिस्थितियों में आगे आकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं को काफी विरोध झेलना पड़ा। रामफल की पत्नी तो अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाने का लाभ समझती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी लड़कियां भी वो मुसीबतें झेलें जो उन्होंने झेली थी। जिस तरह मैंने ये काम करा, घास पाड़ा, गोबर पाथा, कुंडे ढोए हैं, इस तरह ये नहीं घूमेंगी। मेरे पिताजी का मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा असर है। मैं तो यही कहूंगी कि अगर वो साक्षरता में नहीं पढ़ते, और साक्षरता में मतलब पढ़ने के बाद उन्होंने हमें एक अच्छी गाइड दी है, खुद बाहर रहकर भी मतलब 10-10, 20-20 दिन घर न आकर उन्होंने बाहर मेहनत की है और मतलब हमारी पढ़ाई के लिए जो भी आर्थिक सहायता हमारे घर पर पहुंचाई है, जिससे मेरी मम्मी ने मतलब इतना स्ट्रगल किया और उसमें से पैसे बचा बचा के हमें पढ़ाया और मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन हमें प्रदान की, मतलब बहुत एक तरह से हमारी पूरी लाइफ ही मतलब उन्होंने बदल दी। साक्षरता अभियान की सफलता से तमाम विरोधों के बावजूद महिलाओं ने सामाजिक स्वतंत्रता हासिल की। सुमन जी, आपने पर्दा प्रथा का विरोध करते हुए शादी की, ये आपको कैसे सूझा? जी, ये प्रेरणा मुझे मेरे पापा जी से मिली है, वो मतलब इन चीजों से खिलाफ है बहुत। मैंने पहले भी साक्षरता आंदोलन में भी ये चीजें सीखी और उसके बाद में कॉलेजेस में भी हमने दहेज प्रथा के खिलाफ, पर्दा प्रथा के खिलाफ प्रतियोगिताएं तक भी करवाई प्रस्ताव के लिए, यानी ऐसे के रूप में। और जब मैंने शादी की तो पूरे गांव में हमारा विरोध था, बिना दहेज बिना पर्दा के हमने शादी की, और ज़बरदस्त विरोध होते हुए भी मैंने ये शादी की। और उस वक्त जब हमने शादी की तो बिल्कुल 5-6 लोग हैं शादी के अंदर है ना इन्वॉल्व हुए, बिल्कुल साधारण तरीके से है ना शादी हुई थी हमारी। क्या आपके ससुराल की दूसरी महिलाएं आपसे सहमत हैं? पहले तो मतलब विरोध था सबका, लेकिन बाद में अब मेरे साथ खड़ी हैं सब, मतलब युवा पीढ़ी है जो, वो मेरे साथ है, वो कह रही है मतलब दम घुटता है अब हम भी पर्दा नहीं करेंगे। साक्षरता के क्षेत्र में आपके ससुर जख्मी जी ने बहुत काम किया है, क्या आपके जीवन पर उसका कुछ प्रभाव पड़ा? मैंने उनको जब स्टेज के ऊपर उनको देखा और मैंने सोचा कि बिल्कुल अनपढ़ होते हुए भी जब ये इतना बड़ा कर सकते हैं, तो यदि साक्षरता मूवमेंट को और ढंग से यूँ किया जाए तो बहुत अच्छा ही, और उनके जीवन को देख के मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। क्या प्रभाव हुआ आपके जीवन में उसका? उनके जीवन में भी देख के मैंने एक तो ये ठान लिया कि ऐसी प्रतिभाएं ग्राम में बहुत छिपी हुई हैं, ऐसी प्रतिभाओं को उभारने के लिए मैं साक्षरता आंदोलन में जहाँ पे भी साक्षरता का कार्यक्रम चलेगा मैं उसमें अपनी हिस्सेदारी डालूंगा। उधर उर्मिला अपने गांव में दलितों का साथ दे रही थी। ये जी एक बहुत गरीब औरत है, इनका नाम बाला है, इनका नाम मतलब बीपीएल में है, दलित जाति से है। सबसे पहले जब मैं सरपंच बनी तो मैंने इनका मकान बनवाया, उसके बाद जब मैं जिला परिषद की मेंबर थी उस समय इन्हें राष्ट्रीय लाभ योजना के तहत एक मकान वो 10,000 रुपए की ऐड दिलवाई, उसके बाद मशीन और साइकिल ताकि इसके बच्चे जब मजदूरी करने जाएं तो पैदल ना जाना पड़े। 1995 में इधर उर्मिला जी सरपंच थी, उस टाइम इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे कि गांव में गली पक्की करवाना, चौपाल घर बनवाना और वाटर सप्लाई का पानी लाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, खासकर दलित गरीब आदमियों के लिए इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। हमारे कोई निजी कारणों के कारण भी अगर पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती तो उन्होंने हमारा बहुत ही सहयोग किया है। उर्मिला जी के हम तो तय दिल से आभारी हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे हर एक काम में हमारी पूरी मदद की है, 100% योगदान दिया है, दलितों के लिए गांव में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया इन्होंने अपना। मेरे आदमी का देहांत 1992 में हो गया था, घर की हालात बहुत खराब थी, छोरी छानी हो रही थी, बयान की मैंने बहुत चिंता थी। उसके बाद मैं उर्मिला जी से मिली, उन्होंने सरकार की तरफ से मुझे 5100 रुपये और एक सिलाई मशीन दिलवाई और मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। श्रीमती उर्मिला के गांव के दलित उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे।
हमें जिला परिषद की उर्मिला मेंबर ने हमें साइकिल और मशीन दिलवाई थी। सरपंच बनने पर उर्मिला ने सबसे पहले अपने गांव के दलितों के लिए मकान बनवाए। सर जी हमें पहले बताया कतो मदद मिली नहीं थी, और मिला जी जिला परिषद की मेंबर बड़ी जी एक मशीन मिली थी और 20,000 रुपए का ग्रांट। इससे पहले तो जो और कुछ मिला नहीं, बाकी और हरिजना ने भी मिल रही है जी मदद, साइकिल की भी मशीन की भी। ऐसा नहीं था कि उर्मिला केवल दलित समुदाय की ही सहायता करती थी, गांव के दूसरे निर्धन परिवार भी उसके कार्यक्षेत्र का अंग थे। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उन्होंने गांव के लोगों के लिए मकान बनवाए, गांव के कच्चे रास्तों को पक्का करवाया, घरों में पानी के नल लगवाए। उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी गांव की हरिजन बस्ती की चौपाल। सदियों से उपेक्षित दलित समाज उसे पाकर उर्मिला के प्रति और भी कृतज्ञ हो गया। जब मैं साक्षरता में काम करती थी उन्हीं दिनों सरपंच का चुनाव हो गया। साक्षरता में काम करते हुए ही उर्मिला ने ये जाना कि सरपंच के चुनाव के लिए 33 महिलाएं होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करने पर उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए हाँ तो कर दी, पर उन्हें डर था कि कहीं उनके पति मना ना कर दें। हरियाणा में महिला कोई भी फैसला स्वयं कहाँ कर पाती है, पर उर्मिला के पति ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। उर्मिला ने अपने विचारों को एक कविता में प्रकट किया। पिया बदले री तेरे वाज से इब औरत लड़े वो चुनाव से। इस कविता में उर्मिला ने केवल अपने उद्गार ही नहीं प्रकट किए, बल्कि तमाम पुरुष प्रधान समाज से सताई हुई महिला वर्ग का दुख सामने रखा। व्यक्तिगत रूप में तो उर्मिला को उनके पति ने स्वतंत्रता दी हुई थी, परंतु कवि तो समाज की पीड़ा के विषय में लिखते हैं। साक्षरता कार्यक्रम और जन प्रतिनिधित्व ने उर्मिला को जीवन के यथार्थ के और निकट ला बिठाया था, और उस यथार्थ ने उर्मिला को पहले से भी अधिक संवेदनशील बना दिया। देखे कोना बुद्धि ने भले रे बुरे का ज्ञान से। हाँ भाई, दो मिनट तू बैठ, या बट ठीक ज्ञान की, और भाई मैं पहले इसकी सुन लूं। उर्मिला और उसके पति का घर ग्राम वासियों के लिए सदैव खुला मिलता। हर रोज गांव के महिला पुरुष और युवक युवतियां उर्मिला के घर पहुंचते और उससे अपनी समस्या समाधान के लिए सहायता मांगते। उर्मिला किसी को निराश ना करती। किसी को नौकरी की तलाश थी तो किसी को सिलाई की मशीन की। गांव वालों को अपनी प्रधान पर अटूट विश्वास था। रोजगार कर ले, है तो चंदन से आत्मा मशीन देवाना। ठीक से। जब उर्मिला के पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते तो उनके पति के पास भी एक अच्छा खासा जमघट होता। वो भी तो सरपंच रह चुके थे। जब मैं बाहर जाने लगी तो इस पर मेरे जेठानी ने एतराज किया कि औरत के तो सिर्फ दो ही ठिकाने होते हैं, के पीर के सासरा। जो औरत मतलब घर से बाहर जाती है वो औरत मतलब नेक नहीं होती। इस पर मेरे पति ने उनका विरोध किया। अब जब तक मैं अग्री हूँ ये जाएगी। चाहे मेरे परिवार, मेरे गोती नाती से भाईचारा कुछ भी कहे, आपको रुकावट डालते हैं, वो उसको रुकावट नहीं मानू, क्योंकि मेरा भाईचारा ये कहता है कि समाज के अंदर एक बहू का घूंघट हटाना गलत है, लेकिन मैं नहीं मानता उसको। जब तक आप घूंघट हटा करके काम नहीं करेंगी तो गांव का या समाज का कोई काम नहीं हो सकता। आप इसलिए ना मेरे ना मेरे परिवार से किसी किस्म की झिझक ना समझें, ना माने, और आगे बढ़ चढ़ करके समाज सेवा करें और अपना पंचायती कार्य बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के करें। इसके ऊपर मतलब हमारे घर में काफी झगड़ा हुआ, उसके ऊपर मैंने फिर एक गीत भी लिखा, उसकी चंद लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। ये चलिया साक्षरता अभियान पढ़ने लगी बहू छोरी, ये चलिया साक्षरता अभियान पढ़ने लगी बहू छोरी। उर्मिला कोई साधारण साक्षरता कार्यकर्ता या जन प्रतिनिधि ना थी, वो तो कवित्री थी और कोमल हृदय रखती थी। परिवार की नाराजगी और साक्षरता अभियान के सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने पर भी गीत रच डाला।
ये चाली क्यों है धरे ओरी मत सुने दुनिया की बात चली जाइए गोरी। उर्मिला जब भी अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय पाती थी तो समाज सुधार और साक्षरता अभियान की सफलता के विषय में सोचने लगती। सीमित सूत्र और पर्वताकार समस्याएं, क्या वो सब कुछ कर पाएंगी जो वो करना चाहती थी? प्रश्न जटिल है, परंतु क्या केवल इसलिए पीछे हट जाएं कि रास्ते में कुछ रुकावटें हैं? उस सफर का आनंद ही क्या जिसमें थकावट ना हो? उर्मिला और रामफल जख्मी का सफर तो एक ना खत्म होने वाला सफर है। इसमें थकावट तो है, परंतु थकावट दूर करने के लिए हजारों नव साक्षर चेहरे भी हैं जो अब सशक्त हैं। आज हरियाणा में हर वर्ग साक्षरता और समाज सुधार द्वारा सदियों की बुराइयां मिटाने को तत्पर है। आइए हम भी उनका साथ दें।